नमस्कार, मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आखिर सत्ता एक ऐसी चीज है और सत्ता का नशा एक ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञों को दिन में सपने देखने की आदत लगा देती है और ये ताकत वो प्रदान कर देती है कि उसको ऐसा लगता है सत्ता के बदौलत वो चाहे जो चाहे वो करवा सकते हैं। और सत्ता की मस्ती जब उफान में होती है तब राजकीय नेता, खास करके प्रसार माध्यम को और पत्रकारों को किस नजरिए से देखता है और उसकी उस पत्रकार की अहमियत क्या होती है, इसका जीता जागता सबूत किसी ने अगर पेश किया है वो महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुड़े ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। एक सत्ता की मस्ती, सत्ता के नशे में डूबा हुआ पार्टी का पदाधिकारी प्रसार माध्यमों के प्रति, पत्रकारों के प्रति क्या समझ और नजरिया रखता है, उसका एक प्रदर्शन बावनकुड़े ने किया है। और तब से एक चर्चा शुरू है और चर्चा और बावनकुड़े का वक्तव्य एक ऐसे वक्त आया जब इस देश के अंदर खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कल तक हमारे और आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप से जाना जाता था, लेकिन 2014 के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिया ना रहकर उसका नामकरण हो गया है। अब वो मीडिया गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। और गोदी मीडिया क्या है? गोदी मीडिया का मतलब यह है कि पत्रकारिता और संविधान का जो चौथा स्तंभ है, जो मुख्य रूप से जनता की आवाज होती है और सत्ता और सरकार सवाल खड़ा करती है, सवाल पूछती है, लेकिन 2014 के बाद ये पूरा परिदृश्य इस तरीके से बदल गया है कि सत्ता की चापलूसी, सत्ता की महामंडी करना और सत्ता से सवाल नहीं पूछना, ये प्रसार माध्यम होता है जिसका नाम गोदी मीडिया है। अब इस गोदी मीडिया के राज में सत्ता में बैठी हुई पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, उसके एक प्रदेश अध्यक्ष को ऐसा लगना, मुझे नहीं लगता है कि उनको कुछ गलत लग रहा। यह अलग बात है कि बावनकुड़े के इस वक्तव्य के बाद पत्रकारों को क्या लग रहा है, ये एक अलग बात है, लेकिन बावनकुड़े का बयान जो है वो ऐसे सवालों को हमारे और आपके सामने खड़ा कर दिया है जिसके बारे में सोचना, लोकशाही में सोचना बहुत लाजमी है। क्या राजकीय पार्टी के पदाधिकारियों के नजरों में पत्रकारों का मायने ये, या उनकी कीमत क्या ये कि चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ और ढाबे पे लेके जाओ? मतलब सत्ता में रहने वाली पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पत्रकारों को परिभाषित किया है और उस परिभाषित में पत्रकारों की कीमत यहां आके छोड़ दी गई है कि पत्रकार की कीमत चाय, आलू बोंडे, समोसा और ढाबा में खाना खिलाना। उसका आगे का शायद वो बोले होंगे, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा या बोले भी नहीं होंगे कि अगर पत्रकार आलू बोंडे, चाय और ढाबे के खाने से नहीं मानते हो
तो उसके आगे भी जाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखो गली से लेकर तो गली के बाहर तक कोई पत्रकार ये हिम्मत ना करे कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिखे। ये मामला सिर्फ पत्रकारों का अवमूल्यन या अपमान करने तक सीमित नहीं है। ये मामला बावन कुड़े का जो बयान है, ये एक प्रकार से प्रसाद माध्यमों को धमकी देने वाला बयान है। और वो क्या है वो धमकी? खबरदार, कोई पत्रकार ये हिम्मत ना करे कि बीजेपी के खिलाफ वो लिखे या बोले। और नहीं लिखने के लिए जो इंतजाम और जो तरीका बावन कुड़े ने बताया कि पत्रकारों को आलू बोंडे, समोसे और नाश्ता कराते जाओ और ढाबा में ले जाकर खाना खिलाते जाओ, ये बयान एक तरफ से बावन कुड़े जो है, बावन कुड़े की औकात, ये सवाल अप्रत्यक्ष रूप से हमारे आपने आपके सामने आया हुआ है कि आखिर बावन कुड़े की औकात क्या है। क्या बावन कुड़े ये समझते हैं कि पत्रकार या पत्रकारिता के पेशे में लगे हुए तमाम पत्रकार आलू बोंडे, समोसे और ढाबा के मोहताज हैं? क्या पत्रकारों को अपने वश में आलू बोंडे, समोसे के बदौलत किया जा सकता है? कुछ लोगों को जरूर किया जा सकता है, लेकिन क्या पूरे इस माध्यम को आलू बोंडे, समोसे और ढाबा का मोहताज बना दिया जा सकता है? यह है बड़ा सवाल। और एक राजकीय पार्टी का अगर प्रदेश अध्यक्ष ये कहता है तो उसका दूसरा मायने ये भी है कि कुछ पत्रकारों को अपने जेब में लेके वो शायद घूमते भी होंगे, जिनकी उन पत्रकारों की क्या क्या वो मांगे पूरी करते होंगे हम तो नहीं जानते, लेकिन इसका आभास तो जो है बावन कुड़े के बयान से आया है। और बावन कुड़े को शायद ऐसा लगता है कि उनके आलू बोंडे और ढाबा में पलने वाले अगर कोई पत्रकार उनके साथ हो तो उनको लगता है कि सारे पत्रकार शायद वैसे ही होते होंगे। वो ये भूल गए कि पत्रकारिता का ये जो पेशा है, ये पेशा चंद उन पत्रकारों तक सीमित नहीं है जो सत्ता के गलियारों में घूमते हैं और सत्ताधारियों के साथ हां में हां मिलाकर अपनी कलम को लिखते हैं। ऐसा नहीं है, उलट जब पूरी देश की मीडिया अगर गोदी मीडिया हो गई है तो अवाम की आवाज वो पत्रकार बने हुए हैं जिन्होंने गोदी मीडिया में अपने आप को बनाए रखना मंजूर नहीं किए हैं। वो या तो बाहर निकल गए हैं या उनको बाहर निकाल दिया गया है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, YouTube के माध्यम से न जाने कितने ऐसे छोटे छोटे जिनके कोई बड़े नाम नहीं है लेकिन सत्ता से सवाल खड़ा कर रहे हैं, जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बावन कुड़े जी, आप अपनी औकात को भूल गए हो। तीसरी साल में आप थे क्या और आज है क्या? ये बात सही है कि आज आप जो भी हो वो खून पसीने की गाड़ी मेहनत से आज आप जहां पर हो
वहां तक नहीं पहुंचे हो। आप आज जहां तक भी पहुंचे हो उसके रास्ते अलग है, और आपको ऐसा लगता है पूरा समाज जो है वो अब उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है। सत्ता के नशे में चूर राजनेता दीवार में जो वास्तविकता लिखी जा रही है उसको पढ़ नहीं पाता है। सत्ता के नशे में डूबा हुआ राजनेता उसको लगता है हर चीज खरीदी जा सकती है, वो ये भूल जाता है चंद व्यक्तियों को जरूर खरीदा जा सकता है लेकिन समाज को नहीं खरीदा जा सकता है, पूरे विवेक को नहीं खरीदा जा सकता है, नैतिकता को नहीं खरीदा जा सकता है। कुछ व्यक्तियों को जरूर खरीदा जा सकता है लेकिन सत्ता का नशा, सत्ता की जो जिसको कहते हैं ना सूझ मराठी में, कुछ ऐसी होती है कि वो इंसान के पूरी सोचने की प्रक्रिया को भ्रष्ट कर देती है। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी जो कल तक ये कहती थी हमारा चाल चरित्र जो है अन्य पार्टियों से अलग है, हम बीजेपी इज पार्टी विद द डिफरेंस, कल तक जो बीजेपी कहती थी कि हम नैतिक मूल्यों के ऊपर खड़ी हुई है पार्टी है, अनुशासन पे खड़ी हुई पार्टी है, लेकिन देखते देखते भारतीय जनता पार्टी के नैतिक मूल्य जिस तरीके से तार तार होते चले जा रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और उसी नैतिक अधिपतन का प्रोडक्ट जिसको अपन कहेंगे वो यही है 52 कुड़े। तो इसके लिए हम 52 कुड़े से कहना चाहते हैं कि कोई भी जमाना आ जाए, कोई भी पार्टी हो जाए, कोई भी राजनेता हो जाए, वो समाज के विवेक को नहीं खरीद सकता है। कोई भी पार्टी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, सत्ता के नशे में कितनी भी डूबी ना हो, लेकिन वो सत्य को नहीं खरीद सकती है। इसलिए 52 कुड़े जी, आप जिन पत्रकारों को कह रहे हो कि उन्हें आलू बोंडे खिला दो ढाबा में ले जाओ, आज अगर जनता की आवाज को किसी ने बुलंद करके रखा हो, आज अगर सत्ता पे सवाल अगर कोई मीडिया उठा रही हो, तो वो मीडिया बड़े बड़े अखबारों के कारपोरेट घरानों में नहीं है 52 कुड़े, वो मीडिया आज वही है जो गली गली में है, और वो पत्रकार बिना किसी संसाधन के अपनी एक मोबाइल और यूट्यूब से सत्ता के सामने सवाल खड़ा करने की हिम्मत कर रहा है, जनता की आवाज बना हुआ है। आप उनको आलू बोंडे समोसे ढाबा या सत्ता की चकाचौंध से नहीं खरीद सकते हो। 52 कुड़े, आपने जो बयान दिया है, इस बयान से यही साबित हुआ है कि सत्ता का नशा और सत्ता में चूर, कितने नशे में एक राजनेता हो सकता है, ये साबित आपने किया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर किसी और मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।